हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है उसकी रिक्वायरमेंट, उसके लिए काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी। और ये टॉपिक है कि सर, हम स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर, हम इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बट हम ट्रेनिंग कैसे करें, उसकी प्रोसेस क्या है, हम ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आखिरी में मेरी राय, जो मेरे स्पेशल सजेशंस रहते हैं आपके लिए, तो वो भी हम आखिरी में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हमको अगर इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करनी है तो उसको अप्लाई कैसे किया जाता है और उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ जो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, या किसी भी साइंस स्ट्रीम के लोग हों, उनका इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में ट्रेनिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो देख के आप ये समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए भी, जब इंडस्ट्री में आप जॉब करने जाएंगे, साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बट हमको ये नहीं पता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी फार्मा के अंदर तो जो सिक्स सेमेस्टर होता है वहां पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी है। साथ ही साथ उसका वाईवाई भी होता है, उसका पूरा एक सिस्टमेटिक आपको रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और उसका वाईवाई मतलब उसके मार्क्स भी होते हैं, मतलब इसका मतलब है कि ये पूरा कंपलसरी ट्रेनिंग होती है। किसमें? बी फार्मा 6 सेमेस्टर। बट जो अदर कोर्सेस होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, बीएससी हो, एमएससी हो, वहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करनी ही करनी है। तो बट इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना है और आपको इंटरव्यू फेस करना है, तो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसीलिए आज मेरे पास काफ़ी ऐसे क्यूरीज आती है, ऐसे मेल आते हैं जिसमें स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर, हम इंडस्ट्री में ट्रेनिंग तो करना चाहते हैं बट उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो उसी सिस्टम को मैं आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहले ये बताता हूं कि कैसे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को अप्रोच करना है और आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज जो है वो आपको कैसे ट्रेनिंग देंगी। देखिए, सबसे पहले जब आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर करनी हो, तो सबसे पहले तो आपको एज ए स्टूडेंट ही रहना है, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो इंडस्ट्री जो है वो एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रही है, ना कि एक ग्रेजुएट को, ठीक है। मतलब आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर करनी है तो आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही करनी पड़ेगी। एक चीज तो क्लियर हो गई। अब आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कॉलेज से एक लेटर प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, जो कॉलेज के ही जो लेटर पेड होता है, ऑफिशियल लेटर पेड होता है कॉलेज का, उसी में ही वो पूरा टाइप होगा। साथ ही साथ कॉलेज के प्रिंसिपल के सील, साइल, सिग्नेचर, कॉलेज के सील होंगे, और वो पूरा एक लेटर जिसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपके बारे में, कि आप स्टूडेंट हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर ये है, आप इस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप इस ईयर में इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हैं और आपको ट्रेनिंग करनी है, तो कितने टाइम की ट्रेनिंग करनी है, तो वो भी मतलब आपको 1 महीने की ट्रेनिंग करनी है या 15 दिन की ट्रेनिंग करनी है, 1.5 महीने की ट्रेनिंग करनी है, ये भी आपको उस लेटर के अंदर पूरा मेंशन करना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक वे में आपको एक पूरा लेटर बना के कॉलेज के लेटर पेड पे टाइप करा के प्रिंट लेके और फिर उसके सील, साइल, सिग्नेचर प्रिंसिपल से करा के एक लेटर बनाना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको गेट पे जो गार्ड होंगे उनको बताना है कि हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं। तो गार्ड जो होंगे, हर इंडस्ट्री के अंदर एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है, वहां पर वो उनको बताएंगे कि सर, ये स्टूडेंट्स आए हैं और इनके पास ये ट्रेनिंग के लिए आए हैं, अप्लाई करने के लिए आए हैं। तो वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट वाले डिपार्टमेंट में फिर आपको भेजा जाएगा। वहां पर आपको बताना है कि सर, मैं स्टूडेंट हूं, मैं इस ईयर में पढ़ता हूं, मैं सेमेस्टर में पढ़ता हूं और मुझको यहां पर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वाले जो पर्सन होंगे ना, वो आपसे वो लेटर मांगेंगे जो आपने कॉलेज में प्रिपेयर करवाया है। वो कॉलेज का जो लेटर पेड पे जो प्रिपेयर हुआ है, उसका वो लेटर वो आपसे ले लेंगे और उसकी फाइलिंग कर लेंगे। और उसके बाद वो आपको एक पूरा शेड्यूल बताएंगे कि आपको कब ट्रेनिंग करनी है, कब आपका टाइम है, कब से कब के बीच में आपको आना है। पूरा शेड्यूल जो है वो आपको दे देंगे और उसी शेड्यूल के हिसाब से आपको फिर इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। यहां पर मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप लेटर सबमिट करेंगे तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो होगा वो आपको ट्रेनिंग के शेड्यूल के बारे में बताएगा। बट ऐसा जरूरी भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि जब कई बार एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं, तो वो फिर आपको बाद में वाया मेल
इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर उनको टाइम लगता है कि शेड्यूलिंग करने के अंदर, तो उस हिसाब से वो आपको वाया मेल जो होता है ना वो आपको बताते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको उसी टाइम बता देंगे कि आपको कब आना है और आपका पूरा शेड्यूल बता देंगे, वो हो सकता है बाद में दो दिन तीन दिन बाद आपको वाया मेल या टेलीफोनिक कॉल के थ्रू आपको बताएं कि आपको कब इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए आना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग कराना स्टूडेंट्स को फार्मा इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को कराना कंपलसरी है, क्योंकि भारत की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उनको ये सारी इंडस्ट्री को ये बता रखा है कि आपको हमारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग कराना है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे किसी इंडस्ट्री के अंदर तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वाले आपको भगा देंगे और मना कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वो जो ट्रेनिंग कराते हैं तो जो लेटर आपसे लिया था, जो आपने कॉलेज में प्रिपेयर करवाया था, उस लेटर की वो फाइलिंग कर लेते हैं और ये जो फाइल है ये फिर वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि सर हमने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराई है, और उस हिसाब से वो टैक्स में बेनिफिट्स भी लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, वो गवर्नमेंट को कुछ बता रहे हैं कि सर हम इतने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उनका कुछ भला कर देती है और उनको टैक्स के अंदर कुछ बेनिफिट्स दे देती है, टैक्स के अंदर कुछ छूट दे देती है। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराती है। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि इंडस्ट्रीज के पास भी एक कोटा होता है कि वो एक साल में 1000 स्टूडेंट को, 2000 स्टूडेंट्स को ही ट्रेनिंग कराएंगी, ठीक है, या हो सकता है कोई इंडस्ट्री 500 को ही कराए या कोई 250 को ही कराए, वो उनका एक कोटा होता है, वो उसी उतने ही बच्चों को वो ट्रेनिंग कराते हैं। तो अगर वो कोटा कम भर जाएगा, अगर उनको 1000 को कराना और 1000 बच्चे पहले ही आके अपना लेटर सबमिट कर जाएंगे और आप 1000 के बाद आ रहे हो, तो हो सकता है कि फिर वो आपको मना कर दें। तो कोशिश करें कि जब आप जल्दी जाएं और आप ऐसे टाइम पीरियड पे जाएं, या तो फिर जब ज़्यादा बच्चे ट्रेनिंग ना करते हों, जैसे जो ये टाइम होता है, अधिकतर बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं वो कब करते हैं, जब उनके एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो आप अगर कोशिश करें कि अगर आपको किसी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करना है और वहां पर कोटा कंप्लीट हो चुका है और आपको वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे टाइम पे अप्लाई करें जब ज्यादा बच्चे अप्लाई ना करते हो, मतलब ये अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, इस समय जब बच्चों का कॉलेज चलता रहता है, तब भी आप जाके इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ अपने सजेशंस दूंगा जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते टाइम या अप्लाई करते टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आप बड़ी इंडस्ट्रीज में जाएं, बड़ी MNC मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ट्राई करें कि वहां पर आपको अगर ट्रेनिंग मिल सके तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि MNC में जो वर्किंग कल्चर होता है वो काफ़ी मॉडर्नाइज होता है और आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि जब आप रिज्यूम में या इंटरव्यू के लिए जाएंगे और जब आप ये मेंशन करेंगे आपने इस MNC के अंदर ट्रेनिंग करी है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ट्रेनिंग लेटर एक बार बन चुका है, मतलब इंडस्ट्री ने कॉलेज से अगर आपने एक लेटर बनवा लिया है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, तो आप कोशिश करें कि उसकी एक से ज़्यादा कॉपीज बनवा लें। आप एक काम करें कि आप उसकी कलर्ड प्रिंटआउट्स निकलवा लें या कलर्ड फोटोकॉपी करवा लें, तो आपके पास एक से ज़्यादा लेटर्स हो जाएंगे और उन लेटर्स को फिर आप एक से ज़्यादा MNC के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ही इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करने ना जाएं, आप कोशिश करें कि आप अलग अलग इंडस्ट्री, मतलब कम से कम एक या दो, एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रेनिंग करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि क्या होगा कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वो आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे देते हैं कि आपको केवल इधर ही ट्रेनिंग करनी है। जैसे किसी ने आपको केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे दिया, तो आपने केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही ट्रेनिंग कर ली, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आपको लेटर इशू हो गया ट्रेनिंग का और चले गए आप। बट अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि किसी कंपनी में आपको प्रोडक्शन के अंदर ट्रेनिंग मिल जाए, कहीं पे आपको QA के अंदर ट्रेनिंग मिल जाए, कोई आपको QC के अंदर ट्रेनिंग दे दे, तो इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग इंडस्ट्री में जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के बारे में नॉलेज बढ़ेगा, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा होगा, और साथ ही साथ आपको पता भी चलेगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का वर्किंग कल्चर क्या है। तो आप कोशिश करें कि आप एक से ज़्यादा ट्रेनिंग, एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रेनिंग करें। खासकर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ जो कि मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं या ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी पास में है, तो वो तो बिल्कुल कोशिश करें कि वो एक से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करें और कोशिश करें कि अलग अलग जगह पर, कोई कई जगह 10 दिन की, कहीं 15 दिन की, कहीं पर एक महीने की आपने ट्रेनिंग ले ली, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करने जाएं, तो मैंने ये जो फिनोमिना ये काफ़ी देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर ये वाली प्रॉब्लम देखी है कि जब इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग करते हैं तो उनको घर जाने की बहुत जल्दी रहती है। सर हमारी ट्रेन निकल जाएगी, सर हमारी बस निकल जाएगी, सर मेरा जो घर है वो 2 घंटे की दूरी पर है, 3 घंटे की दूरी पर है, मतलब वो अपने घर से ही इंडस्ट्री में अप डाउन
करते हैं जब वो ट्रेनिंग करते हैं। तो ये कल्चर सबसे ज्यादा मेरे को बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि फिर वो ट्रेनिंग सिस्टमेटिक करते रहिए उनको घर, एक तो वो लेट आते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के जो पर्सन होते हैं ना, जो स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं उनको इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो कोई कंपनी से सैलरी तो ले नहीं रहे ना, कंपनी ना उनके कोई सील साइन लग रहे हैं, तो सीधी सी बात है कंपनीज को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कब आ रहे हो कब जा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो होता क्या है कि ये जो लड़के होते हैं ये आते भी लेट हैं और जाते जल्दी हैं, ठीक है, तो ऐसे तो उनकी ट्रेनिंग हो गई। इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं जो आपके घर से काफ़ी दूर है, तो आप कोशिश करें कि आप उसी एरिया में, मतलब जब आपका ट्रेनिंग पीरियड हो उसी एरिया में आप कोई लाज धर्मशाला, या कोशिश करें कि अगर आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, चार पांच स्टूडेंट एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप एक ही क्लास के हैं, तो आप कोशिश करें कि वहीं आसपास कोई फ्लैट देख लें, तो वहीं पे रहें, वहीं पे अपना ट्रेनिंग को एंजॉय करें, हो सके तो वो सिटी को विजिट करें, उसमें घूमें फिरें, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो आपको फिर इंडस्ट्रियल एरिया में ही रहना है। तो एक साल बाद वो जो लाइफ आपको जीनी है वो अभी से ही जीना स्टार्ट कर लीजिए, तो आप बिल्कुल एक तरीके से हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको पूरे सिस्टमेटिक वे में पता चल जाएगा कि जब हम इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी, वहाँ पर हमको किस टाइप से सर्वाइव करना है, तो वो आपको सिस्टमेटिक वे में पता चल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप अगर आप ऐसे एरिया से आते हैं जहाँ पर आपकी इंडस्ट्री काफ़ी दूर है, तो आप कोशिश करें कि आप अप डाउन ना करते हुए उसी एरिया में कोई फ्लैट लेके रहें या धर्मशाला में रहें, जिससे आप इंडस्ट्री को भी ज़्यादा टाइम दे पाएँ और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाए कि आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना है। उसके अलावा आपकी जो ट्रेनिंग है, खासकर ये मैं बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि जैसे बी फार्मा के स्टूडेंट्स को पता है कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो 6 सेमेस्टर के अंदर प्लान होती है, तो आप अगर बी फार्मा स्टूडेंट हैं तो आप अपनी जो ट्रेनिंग है वो 5th सेमेस्टर से ही प्लान करना स्टार्ट कर लीजिए। मतलब कि आपको ट्रेनिंग कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर करनी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेना आप 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनसे मैं अभी मिल रहा हूँ जो 6th सेमेस्टर भी पास आउट कर चुके हैं और जो 7th सेमेस्टर के अंदर आ गए हैं उनकी ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई है। वो तो सीधी सी बात, वैसे तो अभी कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो वैसे भी ट्रेनिंग नहीं होने वाली थी, फिर भी खासकर वो स्टूडेंट जो कि बात की, मतलब पुरानी बात भी मैं बता रहा हूँ आपको कि उनका 6th सेमेस्टर भी पास आउट हो जाता है, वो 7th सेमेस्टर में भी आ जाते हैं, वो 7th सेमेस्टर के एग्जाम भी आने वाले होते हैं और उनके ट्रेनिंग का कोई अता पता ही नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो वो उनको पता ही नहीं होता है कि ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस होता है और जब और कौन सी इंडस्ट्री में करना है। वो जब तक प्लान करते जाते हैं तब तक इतना टाइम निकल जाता है कि उनके 7th सेमेस्टर के एग्जाम आ जाते हैं और ट्रेनिंग का वाई भी आ जाता है, और एट ऑफ द एंड वो क्या करते हैं कि फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ भी नहीं करते हैं, वो किसी फर्जी कंपनी से एक एक्सपीरियंस का लेटर बना लेते हैं या किसी हॉस्पिटल से लेटर बना के ले आते हैं कि सर हमने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज ए जॉब किया है। यहाँ तक कि मैंने तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो किसी मेडिकल स्टोर से भी लेटर बना के ले आते हैं कि सर हमने मेडिकल स्टोर के अंदर ट्रेनिंग करी है। तो होना कुछ भी नहीं है, बट आप एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने आलस की वजह से खो देते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपको पता है कि 6th सेमेस्टर के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने वाली है, तो आप 5वें सेमेस्टर से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके आप 6th सेमेस्टर के एग्जाम के बाद या 6th सेमेस्टर के रनिंग में ही या 7th सेमेस्टर के रनिंग में आप ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो मेरी कुछ चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना, खासकर ट्रेनिंग आपको कभी तभी मिलेगी जब आप स्टूडेंट हो, पास आउट होने के बाद आपको ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली है, ठीक है। पास आउट होने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और फिर ग्रेजुएट के बाद, क्योंकि आप ऐसे ग्रेजुएट हो गए और फिर आप कॉलेज के पास गए कि सर आप वो लेटर बना के दे दो ट्रेनिंग के लिए जो मुझे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, तो फिर आपको लेटर मिलने वाला नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी फिर बाद में आपको, या तो फिर आप फर्जी बनाओ फिर कॉलेज में जाके, फिर मिन्नतें करो, हाथ जोड़ो उनके और जैसे तैसे वो आपको एज ए स्टूडेंट शो कर दें और लेटर बना दें और आप इंडस्ट्री में चले जाओ, या आपका इंडस्ट्री में कोई जेक जुगाड़ो, कोई दोस्त तैयार हो जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दे, फिर यही होना है। तो एक जो प्रॉपर चैनल है वो यही है कि एज ए स्टूडेंट रहते आप ट्रेनिंग कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास फैमिली का प्रेशर भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छा होगा, फिर आपको जॉब भी बहुत ईजिली मिल जाएगी। तो आप कोशिश करें कि एज ए स्टूडेंट रहते, ये मैं बीएससी एमएससी के बच्चों को बता रहा हूँ बात, आप स्टूडेंट रहते ही कोशिश करें कि आप ये ट्रेनिंग कर लें। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया था बताना, वो आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के वीडियोस और बनाऊँ तो और मुझे टॉपिक सजेस्ट करिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में
ट्रेनिंग कराते हैं, और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।